पिछड़े राग यमन के सबक में मैंने आपको आलाप करने का तरीका बताया कि राग में आलाप किस प्रकार किया जाता है। राग में लगने वाले स्वरों को लेकर और राग के राग अंग के अनुसार ये रागों के 30 अंग हैं, जैसे कल्याण अंग, बिलावल अंग, भैरव अंग, भैरवी अंग, काफी अंग, कोस अंग, कानड़ा अंग, मल्हार अंग इत्यादि 30 प्रकार के राग अंगों को लेकर और राग के स्वरूप उसकी जाति के आधार पर राग आलाप किया जाता है। राग के आलाप के बाद सितार में जोड़ बजाने का प्रचलन है, अर्थात ऐसा जोड़ा आलाप, ऐसा आलाप जिसमें लयकारी हो, लय हो, लयबद्ध आलाप को जोड़ा आलाप कहते हैं। जोड़ा आलाप में 8 स्वर समुदायों को लेकर जिसमें चिकारी का भी प्रयोग होता है, जिस प्रकार जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक स्वर के बाद चिकारी, स्वर के बाद चिकारी, स्वर के बाद चिकारी 8 बार। तो इस आधार पर जोड़ा आलाप करने की प्रथा है। जैसे अब जोड़ शुरू कैसे किया जाए, तो हम षड़ से शुरू करेंगे। एक जैसी क्रमबद्ध लय चलनी चाहिए। हाँ, लय तो बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे। इसमें अब स्वरों की इसी लय के आधार पर स्वरों की कॉम्बिनेशन चलती है। जैसे देखिए,
इस तरह कॉम्बिनेशन बनाते बनाते जब देख लो कि इसके आगे हमने और कुछ बढ़ाना है स्वरों को, उनकी स्वर समुदायों को यानी कि आगे विस्तार करना है, तो पहले विस्तार को खत्म करने के लिए मुखड़ा ले लेंगे, जैसे प्रकार से इसका खूब अच्छी तरह से अभ्यास करें। मंद्र मध्य और तार स्वरों का विस्तार जैसे आलाप में किया उसी प्रकार से करना चाहिए। हाँ, कहना तो आसान लगता है लेकिन अभ्यास बड़ा जरूरी है, यानी कि आठ आठ स्वरों के समूह चकारी सहित और चार स्वर बिना चकारी के, कभी चार स्वर चकारी के साथ, ऐसे विभिन्न प्रकार की कॉम्बिनेशन आप उसको बना सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो। संगीत तो आनंद के लिए है, और जितना आपका अभ्यास है, जितनी आपकी सूझबूझ है, जितना आपने देखा सुना परखा, उस्तादों की सोबत संगत में रहे उनसे सीखा, तो सोने पर सुहागे की बात है। दो घंटे बजाते रहो, पूरा पूरा रात बजाते रहो, आनंद नहीं, आनंद समाप्त नहीं होगा। तो ये आपके अभ्यास पर निर्भर है। तो इसी के साथ मैं आज के आलाप का ये समाप्त करता हूँ। आगे ईश्वर ने समय दिया तो प्रस्तुत आगे